हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज फिर तो आप एक वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में आप स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग तुम दसागे। तुम सिख मनोरिटी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं, बट स्टडी करते होने चाहिए। ये तुम्हें स्कॉलरशिप तुम्हारी फीस के अकॉर्डिंग तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। साडे चैनल पर नवे हो तो चैनल में सबसक्राइब करो तो बैल आइकन दबना ना भुलना, ताजो तुम्हें नवी नवे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। लो जी, आप ऑफिशियल वैबसाइट पर आ चुके हैं। तुम्हें की करना है, जेकर तुम पहला तो ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन करना है। जेकर नहीं किया न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। इस तो बाद अपने को फॉर्म आएगा, वो आप ओपन हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी पवेगी। इस तरह अपने को इंटरफेस आ जाएगा तो बिल्कुल नीचे जिहड़े तुसी एक बार इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लियो, तो टिक बटन पर क्लिक करके तुसी कंटिन्यू पर क्लिक कर दियो। जिहड़ियां इंस्ट्रक्शन सारी रीड कर लेने, उस तो बाद इस तरह तुसी स्टेट सिलेक्ट कर लेना जो भी तुहाडी स्टेट है, जिस तरह पंजाब स्टेट है। उस तो बाद स्कॉलरशिप कि है, पोस्ट प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक, तो जिन्हें भी 11वीं तो उत्ते उत्ते क्लासा ने, चाहे वह बैचलर कोर्स आ चाहे मास्टर कोर्स आ, वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के आएगा। तुसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सिलेक्ट कर लेना। उस तो बाद जिहड़ा कि कैंडीडेट का नेम जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लेना, अपना फिल कर देना। बिल्कुल करैक्शन जी करैक्ट नेम फिल करना, इस तो बाद करैक्शन करने का टाइम नहीं मिलेगा, ना ऑप्शन आएगा। उस तो बाद स्कीम, तुसी स्कॉलरशिप स्कीम पर क्लिक कर सकते हो। उस तो डेट ऑफ बर्थ, जिनी भी तुहाडी डेट ऑफ बर्थ आ, बहुत केयरफुली तरीके दे नाल तुसी अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है स्कॉलरशिप। इस तो बाद आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी तुसी हो तुसी सिलेक्ट कर सकते हो। मोबाइल नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर जिहड़ा तुहाडे कोल चलता होवे, तुहाडे कोल 24 घंटे तुहाडे कोल होवे, उही फिल करना, क्योंकि नम जो भी अपडेट आ तुहानू मिलदी रहेगी। अपनी जीमेल भी फिल कर देना, क्योंकि जीमेल ते पासवर्ड आउंदा रहेगा, जो भी अपडेट है जीमेल ते नंबर ते दोनों ते आएगी। उस तो बाद बैंक आई एफ सी कोड फिल कर देना, जिहड़ा भी तुहाडा बैंक दे विच खाता है उहदा आई एफ सी कोड होना, तुसी वो आई एफ सी कोड पढ़ सकते हो, चाहे अपना चाहे अपने पेरेंट्स का। उस तो बाद कन्फर्म कर देना अपना जिहड़ा भी आई एफ सी कोड तुसी फिल कर देना, कन्फर्म कर देना, जिहड़ा कि ऑटोमैटिकली ही बैंक अकाउंट की डिटेल चक लेगा, बैंक नेम चक लेगा, जिवें नीचे आ चुके है एक्सिस बैंक। उस तो बाद अकाउंट नंबर फिल कर देना अपना बैंक का, अपनी बहुत केयरफुली तरीके दे नाल ये सारी डिटेल जिहड़ी फिल करनी है। उस तो बाद कन्फर्म कर देना अपनी जो भी तुहाडा बैंक अकाउंट है डिटेल है। उस तो बाद बैंक का नेम ऑटोमैटिकली आ चुके हैं। उस तो बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल दे सकते हो, आधार कार्ड नंबर फिल कर देना, अपनों पता लग जाएगा इस आधार कार्ड अपना करैक्ट है या नहीं है, इस तरह आ जाएगा। प्लीज़ जिहड़े कि तुहाडा सही है ग्रीन च आ जाएगा। उस तो बाद इत्थे कैप्चा फिल कर देना, जिहड़ा तुहानू कैप्चा शो हो रहा कैप्चा तुसी फिल करके, उस तो बाद टिक बटन पर तुसी एक बार टिक बटन नू जरूर रीड कर लेना। उस तो बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देना। उस तो बाद जिन्ना भी अपना आई डी पासवर्ड होना अपने नंबर पर अपनी जीमेल पर आ जाएगा, तो उस तो बाद लॉगिन करके अपन जिहड़ा बाकी का फॉर्म वो कंप्लीट करेंगे। कैंडिडेट नू रिक्वेस्ट है अपनी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन बहुत केयरफुली तरीके फिल करनी है, कोई भी फालस इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करनी, या फिर दो स्कॉलरशिप नहीं अप्लाई करनी सेम पोर्टल पर, तुहाडे दोनों ही स्कॉलरशिपां दे कैंसल हो सकते हैं। इस तरह अपने को पोर्टल आ जाएगा, तुसी कंटिन्यू कर दिओ। कंटिन्यू दे विच आपां देखांगे अपना यूजर आई डी या पासवर्ड फिल करके लॉगिन करना है, अपना जिन्ना भी यूजर नेम आ जां एप्लीकेशन नंबर फिल कर देना। उस तो बाद जिन्ना भी तुसी पासवर्ड तुहानूं मिलिया है तुहानूं पासवर्ड मिल जाएगा तुहाडे मोबाइल नंबर ते जीमेल ते। लगभग यही जिहड़ा कि पासवर्ड हुंदा टैंपरेरी हुंदा, अपना डेट ऑफ बर्थ हुंदी है। उस तो बाद जिहड़ा कैप्चा शो हो रहा तुसी अपना कैप्चा फिल कर देना, जो भी तुहानू कैप्चा शो होएगा बिल्कुल करैक्शन जिहड़ी कि कैप्चा फिल कर देना। कैप्चा फिल करन तो बाद तुहानू लॉगिन सारा तुहानू जिहड़ी कि डिटेल है मोबाइल नंबर ते जीमेल ते दोनों ते थ्रू तुहानू मिलेगी। तुसी बिल्कुल करैक्ट अपना मोबाइल नंबर ते जीमेल फिल करनी है इस फॉर्म दे विच। लॉगिन करन तो बाद अपने कोल इस तरह का इंटरफेस आएगा, उहदे विच की फिल करना है आपां, 5 डिजिट ओटीपी आएगा, वह अपने नंबर पर आएगा, तुसी अपने नंबर पर ओटीपी सेंड कर दिओ, जब भी आएगा तुसी इहदे विच फिल करके कन्फर्म ओटीपी कर देना, जां फिर नहीं आ रहा तो तुसी रीसेंड ओटीपी कर सकते हो, जां मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो। ये आपको ओटीपी जब मिल जाएगा आपां ओटीपी फिल करके कन्फर्म कर देवेंगे। उस तो बाद अपना नैक्सट जिहड़ा पोर्टल ओपन हो जाएगा, उस दे विच सारी डिटेल होनी है, आप वन बाय वन करके फिल करते जाने। ये सारा फॉर्म बहुत सौखे ढंग दे नाल तुहानू दस रहे हैं, तुसी आसानी दे नाल किसी भी कैटेगरी तो बिलोंग करते हो आराम दे नाल भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस तो बाद आपां चेंज करना है पासवर्ड, टैंपरेरी पासवर्ड से अपना जिहड़ा भी तुहानू याद रहे तो बहुत सौखा होवे वो पासवर्ड तुसी इहदे विच फिल करना है, तो कन्फर्म कर देना। उस तो बाद सबमिट कर देना है।
सबमिट करने तो बाद अपने को एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। एप्लीकेशन नंबर तुसी देख सकते हो, ये कितने सिलेक्ट करना, एप्लीकेशन फॉर्म से क्लिक कर देना। एप्लीकेशन फॉर्म से क्लिक करने तो बाद अपने को इस तरह का इंटरफेस आ गया। ये कुछ डिटेल आइटम जिन्हें भी स्टार वाली डिटेल आ वो आप फिल करनी है। ये देख सौ सिंगर गर्ल चाइल्ड सब तो पहला जैसे या नो कर सकते हो। उस तो बाद रिलीजन जो भी तुहाडा रिलीजन है सिख या हिंदू जो भी सिख मिनोरिटी हरेक नूं स्कॉलरशिप देवेगी। सिख तुसी इत्थे सिलेक्ट कर सकते हो, जेकर सिख हो नहीं फिर अदर तुसी सिलेक्ट कर सकते हो। उस तो बाद कैटेगरी तुहाडी कीड़ी है कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, जिवें कि जनरल कैटेगरी। उस तो फादर नेम जो भी तुहाडे फादर का नेम है, ये बहुत केयरफुली तरीके दे नाल अपना फादर नेम फिल कर देना। इस तो बाद अपने को मदर नेम आ, मदर नेम फिल कर देना। उस तो बाद एनुअल इनकम जी भी तुहाडी साल की सालाना जी इनकम आते फिल कर देना, 2.5 लाख तो नीचे नीचे चाहिए। उस तो बाद तुहानू पुछणगे तुसीं होस्टल हो जां डे स्कॉलर हो, तो यह फिल कर देना। उस तो बाद स्टेट सिलेक्ट करनी है जिथे इंस्टीट्यूट है तुहाडा, वह स्टेट सिलेक्ट करनी है जिवें मैं पंजाब करांगा। उस तो बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करांगा जिथे मेरा इंस्टीट्यूट है। उस तो बाद काफ़ी जिहड़े कि डिस्ट्रिक्ट दे इंस्टीट्यूट ओपन होणगे जिन्हें विच मैं स्टडी कर दें जां कॉलेज जां यूनीवर्सिटी, तो वो मैं इतने फिल कर देवगा। जी भी अपनी करैक्शन जी इनफॉर्मेशन उ फिल कराँगा, क्योंकि डिपार्टमेंट वालों या कॉलेज वालों या यूनिवर्सिटी वालों यह फॉर्म वेरीफाई करवाना पैना है। इस करके केयरफुली तरीके दे नाल अपना फिल करना, कोई भी इनकोरैक्ट इनफॉर्मेशन नहीं फिल करना। उस तो बाद एडमिशन नंबर एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना। उस तो बाद एडमिशन ईयर तुम फिल कर देना, रोल नंबर फिल कर देना जिन्ना भी तुहाडा सैक्शन तुम फिल कर दो। उस तो बाद प्रजेंट तुसी की कोर्स कर रहे हो उहदे विच तुसी फिल कर दिओ, प्रजेंट तुहाडी कीहड़ी क्लास है तुसी क्लास फिल कर दिओ। उस तो बाद मोड ऑफ स्टडी किस तरह तुसी स्टडी कर रहे हो इहदे विच, उस तो बाद तुसी अपनी प्रजेंट क्लास डिटेल क्लासां जो स्टार्टिंग हो फिल कर देना। उस तो बाद तुसी कीहड़े बोर्ड दे विचों आपदा पिछला तुसी कोर्स कीता है जां क्लास कीती है प्लस टू या टेंथ प्लस टू, इहदे विच फिल कर देना। पंजाब बोर्ड जिस तरह मैं इत्थे फिल करां पंजाब बोर्ड, जेकर CBSE बोर्ड आ तुसी CBSE बोर्ड भी फिल कर सकते हो। उस तो बाद जिहड़े कि स्टार बटन दे आपां प्रीवियस ईयर च आपां की कीता है इंटरमीडिएट क्लास फिल कर दित्ती है, उहदी पासिंग ईयर मैनशन कर देवांगे। जिन्ने उस तो बाद आपां करांगे जिन्ना भी अपने परसेंटेज आई सी आपां परसेंटेज फिल कर दित्ते आ। उस तो बाद टेंथ की इनफॉर्मेशन फिल करांगे, टेंथ का रोल नंबर, रोल नंबर फिल करन तो बाद फिर तो आपां कन्फर्म रोल नंबर फिल कर देवांगे। इस दे विच अपना रोल नंबर बहुत केयरफुली तरीके दे नाल, क्योंकि डाटा ऑटोमैटिकली ही इहदे विच चक्या जाणा है। उस तो बाद बोर्ड नेम या स्कूल नेम तुसी लिख सकते हो, बोर्ड नेम इत्थे आ रहा, बोर्ड नेम तुसी फिल कर दो, पासिंग ईयर तुसी कदों कीता है। उस तो बाद मार्क्स तुहाडे किन्ने सी तुसी मार्क्स फिल कर दो परसेंटेज दे विच, जेकर GDP है तां उहदे विच ग्रेड पॉइंट आ तां उहनूं चेंज कर लो। उस तो बाद प्लस टू डिटेल भी फिल कर सकते हो, जिन्नी भी अदर इनफॉर्मेशन आ तुसी फिल कर सकते हो। फिलहाल जिन्ने भी स्टार वाले ऑप्शन सी मैं इह फिल कर दित्ते ने। उस तो बाद नीचे अदर इनफॉर्मेशन जिहड़ी कि आपां फिल करनी है, ऑरफिन हो जां जैसे हो गार्डियन डिसेबल हो जैसे नो कर सकते हो। उस तो बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जेकर नो फिल की, उस तो बाद डिसेबिलिटी पर देना, उस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी फिल कर देना। उस तो बाद मैरिड अनमैरिड फिल कर देना। उस तो बाद अपने पेरेंट्स का जो भी तुहाडा काम है उहदे विच फिल कर देना। उस तो बाद सारी डिटेल फिल करन तो बाद सेव एंड कंटिन्यू ते क्लिक कर देना। इस तो बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, उस डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना, तहसील। उस तो बाद हाउस एड्रेस इतने फिल कर देना जो भी तुहाडा हाउस एड्रेस आ, ते फिल करन तो बाद अपने कोल पिन कोड आएगा, अपना पिन कोड तुसी फिल कर देना। उस तो बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम मिनोरिटी CS ते क्लिक कर देना। उस तो बाद इस तरह के आप डॉक्यूमेंट रेडी करने अपलोड करने, डोमिनेंस सर्टिफिकेट, स्टूडेंट फोटोग्राफ, सैल्फ डिकलेरेशन, मिनोरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट, स्टूडेंट का सैल्फ अटैस्ट जिहड़े मार्कशीट। उस तो बाद फीस रिसिप्ट अपलोड करनी, आप मार्कशीट अपलोड करनी, उस पर साइन करके अपने खुद के साइन करके आप अपलोड करनी है। उस तो बाद फीस रिसिप्ट जी भी डिपार्टमेंट देंदे, इनकम सर्टिफिकेट जिहड़े कि स्टेट या यूटी अथॉरिटी तो प्रोवाइड किया जाता। इस तो बाद आपां बैंक डिटेल जी आप फोटो खिंच के इनू अपलोड करनी है। उस तो बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट तुसी अपलोड करना है, वो डाउनलोड कर लियो जेकर तुहाडे कोल नहीं है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट किस लिए है, डिपार्टमेंट दे जिहड़े भी तुसी स्कूल या कॉलेज दे विच यूनिवर्सिटी विच पढ़ते हो उन्हां वल्लों यह है। अपना रोल नंबर फिल करके साइन करवा देना अपने इंस्टीट्यूट के हैड तो, ते साइन करने के नाल नंबर भी उद्दे फिल कर देना अपने इंस्टीट्यूट सील मोर जिहड़ा लगा देवेगा, तो ये फिर इस तो बाद अपलोड करना है। इस तरह सारा तुहानू फॉर्म दस दिता है तुसी किवें फिल कर सकते हो सिख मिनोरिटी वाला। तो जेकर तुहानू कितें भी प्रॉब्लम हुंदी आ सानू JVStation इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, जां फिर YouTube चैनल पर वीडियो पर तुसी कमेंट कर सकते हो। इस तरह सारी डिटेल तुहानू दस दिती है, तुसी वन बाय वन करके स्टैप बाय स्टैप करके अपनी सारी डिटेल फिल कर देना। कोई भी तुसी कैटेगरी तो बिलोंग करते हो, चाहे किसी भी रिलीजन तो
ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਗਲਤ ਫਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।